Hi. Congratulations. For what? You're the lucky winner of our Beauty on the Road contest. और आपको हमारी कंपनी की तरफ से मिलता है One Night Stay in Goa. One Night Stay in Goa and dinner and cocktail with a great personality. अच्छा? कौन है वो great personality? Me, of course. और आज रात को आपको मेरी कंपनी की तरफ से मिलेगी मेरी कंपनी. और यकीन मानो, तुम नहीं चाहोगी कि रात खत्म हो. चलें, long drive पर. अभी तो मैं हॉलीवुड कैसीनो जा रही हूँ. Wow, what a coincidence! मैं भी वहीं जा रहा था. यू टर्न लेकर. By the way, जिस कंपनी ने मुझे सिलेक्ट किया है, क्या मैं उसका नाम जान सकती हूँ? उस ग्रेट कंपनी का नाम है रॉकी 9820420420. अच्छा, यानी दो बार 420. डबल मजा. और आप? सिमरन. सिमरन, वाह, क्या नाम है! पहली बार इतना सेक्सी नाम सुना है. आपके डैडी टेररिस्ट हैं? क्या? वरना ऐसा सेक्स बॉम्ब और कौन बना सकता है? कहो सिमरन, कहाँ से शुरू करें? What? I mean, बार से या कैसीनो से? Sorry, मैं यहाँ ना तो ड्रिंक्स ले सकती हूँ और ना ही गैम्बलिंग कर सकती हूँ. क्यों? क्योंकि I'm not allowed to do so. मैंने कल ही ज्वाइन किया है. I'm a dancer. Great. तो हम ड्यूटी आज के बाद मिलेंगे. लेकिन मेरी ड्यूटी तो रात को 3 बजे खत्म होती है. मेरा दिन भी रात को 3 बजे शुरू होता है. मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा. बाय. कंग्रेचुलेशंस, यू आर द लकी विनर ऑफ अ ब्यूटी ऑन द रोड कॉन्टेस्ट. रोजी, रॉकी, तुम मुझे कितनी बार अपनी लकी विनर बनाओगे? ये फूल किसी और को देना. अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ थे इतने दिन? वेकेशन मना रहा था. आई मीन वेकेशन मनवा रहा था. वो छोड़ो, सोनिया मैडम कैसी है? एक्चुअली जब से वो हादसा हुआ है वो बहुत अपसेट रहती हैं. रॉकी किसी खूबसूरत औरत को अपसेट नहीं देख सकता. लोबो, गेट खोलो. फिर आ गया रॉकी रोमियो. लोबो, मिस्टर लोबो. क्या काम है? बाद में आना. आई एम वेरी बिजी. तुमसे मिलना भी किसको है? रॉकी के पास मर्दों के लिए वक्त नहीं है. तुम्हारी मैडम से मिलना है. वेगेबॉन. दिस इज ब्यूटीफुल. हाउ आर यू? अरे रॉकी डियर, तुम कभी आया? तुम इस दुनिया में आया उसके 20 साल बाद आया. लाओ, आओ, गो इनसाइड. मिस्टर लोबो, रॉकी 60 के मॉडल वाली गाड़ी नहीं चलाता. गाड़ी पुरानी है लेकिन इंजन आज भी नया जैसा है. एक टाइम पिकअप देता है ना तो ये ड्राइवर भी कंट्रोल नहीं कर सकता. अंडरस्टैंड? मिस्टर लोबो, मैडम उठ गई? अरे वो सोटी कहाँ है? जब से वो हादसा हुआ उसे नींद ही नहीं आती है. हाँ, स्लीपिंग टेबलेट लेती है और थोड़ा टाइम के लिए आंख बंद कर लेती है लेकिन नींद नहीं आती. तो अभी वो कहाँ है? ऊपर लॉयर के साथ डिस्कशन हो रहा है. ठीक है, तो मैं इंतजार करता हूँ. तो मिस्टर दीक्षित, सारे पॉइंट्स क्लियर है ना? एनी कंफ्यूजन? नो मैडम, जैसा आपने कहा वैसा हो जाएगा. लेकिन यू अचानक ये चेंजेस, कोई खास वजह? कुछ पर्सनल बातें हैं, फिर कभी बताऊंगी. रॉकी, कैसे हो? एज यूजुअल. मिसेस लोबो, सबके लिए चाय अरेंज कीजिए. जी मैडम. आइए. कुछ पता चला? कोई फोन, कोई खबर? नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. इतने दिन हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा है. डोंट वरी, तुमने किसी का बुरा नहीं किया तो तुम्हारे साथ बुरा क्यों होगा? सब ठीक हो जाएगा. हेलो. अच्छा, बोलो बोलो. मैं मर रही हूँ, आपको कोई डाउट है क्या? अच्छा अच्छा, किसका फोन है? पता नहीं, वो आपसे ही बात करना चाहता है. हेलो. यस. हाँ, आप कौन है? कहाँ से बोल रहे हैं? अपना पता बताइए, मैं वहीं आती हूँ. डोंट वरी, उसका इंतजाम हो जाएगा.
क्या हुआ मैडम? विकी का पता चल गया है, वो यहाँ आ रहा है। देखा, रॉकी इज ऑलवेज लकी फॉर द लेडीज। यस, टुडे इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ एंड दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन। आज मैं अपनी खुशी में सबको शामिल करना चाहती हूँ। आज की रात कैसीनो के कस्टमर्स ही नहीं पर चाइनाटाउन में रहने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी ऑन द हाउस। वाह वाह वाह, मजा आ गया। सर, इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ आपके लिए विनेश रील बनाई है। क्या बात है, मैं अपनी इस फिल्म के लिए ये गाना जरूर लूंगा। सर, सिर्फ गाना, इस हीरो को भी चांस दीजिए ना अपनी फिल्म में। सर हाँ हाँ, जरूर जरूर। पैसा लाए हो ना? नहीं। क्या? अरे तो बार बार शूटिंग में आकर मेरा टाइम क्यों वेस्ट करते हो? नहीं सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मुझ में टैलेंट कूट कूट कर भरा है सर। मुझे एक्शन आता है, डांस आता है, हॉर्स राइडिंग आती है। अरे वो सब करने तो डुप्लीकेट आता है। तो हीरो क्या करता है सर? हीरो 10 लाख रुपया लेकर आता है। मैंने तुमसे भी कहा था, तुम नहीं लाए, वो ले आया। लेकिन सर मेरे पास तो जितने भी पैसे थे मैंने शोरील बनाने में खर्च कर दिए ना। अरे तो मैं क्या करूँ यार, चल जाओ। चले यार, ये दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी डायरेक्टर साहब। क्या? मुझे 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 भारी पड़ेगी सर, मुझे प्लीज मुझे हीरो बना दीजिए ना। जल्दी से 10 लाख रुपया लेकर आओ, इसी फिल्म को मैं दो हीरो की स्टोरी बना दूंगा। और सुनो, अगर 15 लाख रुपया लेकर आओगे ना तो इंटरवल में इस हीरो को मार दूंगा। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अरे भाई ओ सुनो, अब क्या करूं? दिल्ली से कितने सपने सजा कर निकला था लेकिन अब जिंदगी के दो राय पर खड़ा हूं। ये फिल्म का रास्ता है कि खुलता ही नहीं, और घर का रास्ता मैं अपने हाथों से बंद कर कर आ गया हूं। वरना डैडी ने तो रोका था। आज मुझे मत रोकिए डैड, बॉलीवुड मुझे बुला रहा है। बॉलीवुड तुमको नहीं, बकरे को बुला रहा है। तुम मुंबई नहीं जाओगे। आज दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मुंबई जाने से नहीं रोक सकती, और मैं सुपरस्टार बनकर ही वापस आऊंगा डैड। यानी कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। कल के सुपरस्टार की इतनी बड़ी इंसल्ट, अब तो मैं इस घर में एक मिनट के लिए भी नहीं रह सकता। अगर तुमने इस दहलीज के बाहर कदम रखा तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। उभरते टैलेंट का गला घोट देने वाले इस दरवाजे को मैं लात मारता हूँ। अंधे हो, देख कर नहीं फेंक सकते? I'm really sorry. Sorry बोल दिया तो हो गया? अंधे कहीं के। सबसे बड़ी अंधी तो मैं हूँ, जो उस फ्रॉड रोहित के प्यार में पागल हो गई। लेकिन प्रिया, तुम घर छोड़कर मुंबई क्यों आ गई? रोहित, मेरी डैडी मेरी शादी किसी बिजनेसमैन से कराना चाहते हैं। चलो शादी कर लेते हैं। नहीं, पहले तुम अपने डैडी को मना पटाकर 50-60 लाख रुपए लेके आओ, उससे मैं कोई अपना बिजनेस शुरू करूंगा। लक बाय चांस बिजनेस चल निकला तब मैं तुम्हारा हाथ मांगने आ जाऊंगा। अच्छा, मैं 50-60 लाख लेकर आऊंगी तब तुम डैडी से मेरा हाथ मांगने आओगे? यस। कौन सा हाथ, ये वाला या ये? घर से निकलते वक्त लेटर लिखने की क्या जरूरत थी? मैं अब कभी वापस नहीं जा सकती। घर क्या मुँह लेकर जाऊँ, अब तो मुंबई में ही रहना होगा। तो क्या हुआ? मैं एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ, मुझे तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ऐसी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी जो जॉब के साथ अकोमोडेशन भी ऑफर करे। मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं। पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए, टाइमिंग्स रात के 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। मामा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तुम्हें भूख लगी है? एक मिनट, ये लो चॉकलेट। अब सीधे अपने मम्मी के पास जाना। ओके मम्मा, बाय स्वीट बेबी। टू ईयर ओल्ड चाइल्ड मिसिंग, ये बच्चा तो यही था। 25 लाख का इनाम, मेरा तो रहने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कॉन्टैक्ट मिसेस सोनिया चैंग, 36 चाइनाटाउन पानाजी गोवा। अरे कहाँ गया वो? बस एक तो ही है बेटा जो मेरी प्रॉब्लम समझता है, यानी सुनता है। एक बार सुपरस्टार बन जाऊंगा ना तो सारे बचपन के रोल तुझसे ही करवाऊंगा, प्रॉमिस। चल इसी बात पे हाथ मिला, हाथ मिला। वेरी गुड,
देख डोंट माइंड, थोड़ा बाल ट्रिम कराना। अरे बबली, बाल मैच नहीं होता तो है। यहाँ तुम? सॉरी, मेरा नाम बबली नहीं, राज है। मैं तुमसे नहीं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। देखिए, ये आपकी बेटी नहीं हो सकती। व्हाट नॉनसेंस, ये मेरी बेटी। एक सेकंड, एक सेकंड, ये आपकी तो क्या किसी की भी बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका नाम बबली नहीं बबलू है। मिल गया प्रूफ? हमेशा कंफ्यूजन होता है। दरअसल मेरे जुड़वा बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। चलो बेटा, पापा घर पे इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट, देखिए मैडम, मैं एक एक्टर हूँ और लोगों का बिहेवियर स्टडी करना मेरी हॉबी, और आपका बिना मंगलसूत्र का गला ये चीख चीख कर कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। कमाल है, मेरा बच्चा नहीं होता तो मैं लेने क्यों आती? तुम्हें क्या लगता है मैं बच्चा उठाने वाली हूँ? देखो, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो, वरना मैं तुम्हें पुलिस में ले जाऊंगी। अच्छा, ये बच्चा 25 लाख का बेरा चेक है, इसलिए आप मदर इंडिया बन रही, लेकिन अब तो ये मेरा गॉडफादर बनेगा। देखो, ये बच्चा मैंने पहले देखा है। तो क्या हुआ, अब मेरी गोद में है, जिसकी गोद उसका बच्चा, दैट्स इट। झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप कर लेते हैं, 90% मेरा, 10% तुम्हारा। मुझे क्या बेबी सिटर समझ रखा है? वैसे मुझे लड़कियों के साथ ज्यादा आर्गुमेंट करना अच्छा नहीं लगता, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, बाकी के 15 लाख तुम रख लेना, नो प्रॉब्लम। ओके, हाँ चलो चलो एयरपोर्ट चलते हैं। क्या हम लोग प्लेन से जाएंगे? अरे मुझे पैसे लेके वापस जल्दी आना है, नहीं तो वो डायरेक्टर मेरे बिना सोलो हीरो की पिक्चर बना देगा, तुम नहीं समझोगे। चलो, हाँ और सुनो, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी माँ को फोन लगाते हैं। चलो। हेलो। हेलो, हाँ मैं मिसेस सोनिया चैंग से बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो बोलो। मैम, आपकी आवाज तो बिल्कुल मर्दों जैसी लग रही है। मैं मर्दी हूँ, आपको कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं, देखिए मुझे जो भी बात करनी है मैं सिर्फ मिसेस सोनिया चैंग से करूँगा। ठीक है ठीक है। किसका फोन है? पता नहीं, वो आपसे ही बात करना चाहता है। हेलो। हेलो सोनिया चैंग? यस जी। आपका बच्चा खो गया? हाँ। देखिए वो मेरे पास है। आप कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। अपना पता बताइए, मैं वहीं आती हूँ। नहीं नहीं, देखिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चा सही सलामत मेरे पास है और मैं पहली फ्लाइट पकड़कर उसको आपके पास लेकर आ रहा हूँ। ओए मिस्टर, मैं नहीं, हम सॉरी, हम मिस्टर एंड मिसेस दोनों आपका बच्चा फ्लाइट से आपके पास पहुँचा। अच्छा सुनिए, वो जो रिवॉर्ड के पैसे हैं वो कैश में मिल जाते तो? डोंट वरी, उसका इंतजाम हो जाएगा। एक्सीलेंट, चलिए थैंक यू, बाय। कितने पैसे हो गए? 22 रुपए 50 पैसे। प्रिया एंड राज एंटरप्राइज का पहला इन्वेस्ट।